भगवान जगन्नाथ पर विवादित बयान देने के बाद जहां बीजेपी नेता संबित पात्रा घिरे हुए हैं, तो वहीं अब पीएम मोदी ने भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर को लेकर विवादित बयान दे दिया है, जिसे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भगवान जगन्नाथ का अपमान बताया है और पीएम मोदी के बयान को नफरत भड़काने वाला बताया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अभी भगवान जगन्नाथ पर विवादित बयान देने पर संबित पात्रा का मामला शांत हुआ नहीं था कि अब भगवान जगन्नाथ मंदिर पर पीएम मोदी ने विवादित बयान दे दिया है और अब पीएम के इस बयान को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भगवान जगन्नाथ का अपमान बताया है। स्टालिन ने पीएम के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के रतन भंडार की गायब चाबियां तमिलनाडु भेजी गई थी। ये पीएम मोदी की टिप्पणी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी वी के पांड्यान, जो कि तमिलनाडु से है, उनकी ओर निर्देशित थी। पीएम मोदी की ये टिप्पणी भगवान जगन्नाथ का अपमान है। पीएम के ये भाषण उड़ीसा के लोगों को तमिलनाडु के खिलाफ नहीं उकसा रहे हैं क्या? पीएम को तमिलों के प्रति इतनी नफरत क्यों है? जब पीएम तमिलनाडु आते हैं तो वे तमिल भाषा और बुद्धिजीवियों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब वे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में जाते हैं तो तमिलों को चोर, घृणित लोगों के रूप में चित्रित करते हैं। प्रधानमंत्री को वोट के लिए तमिलनाडु और तमिलों को बदनाम करना बंद करना चाहिए। पीएम मोदी अपने नफरत भरे भाषणों के जरिए राज्यों के बीच नफरत और दुश्मनी भड़काने का काम करते हैं। ये पीएम मोदी का दोहरा मापदंड है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रोड शो किया और रैलियां की, जहां पीएम ने कहा था कि बीजेपी शासन में पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर सुरक्षित नहीं है। रतन भंडार की चाबियां पिछले 6 साल से गायब है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।